आपका वेलकम करते हैं अपने चैनल में माइटी फूड सीकर। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमने बनाया है बेहद मजेदार सा चना पुलाव। इसे बनाना बेहद आसान है, बहुत मजे का बनता है। आप भी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें, और अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, पहले के बटन द्वारा मत भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि रेसिपी आपको कैसी लगी। आप लोग हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, mycityfoodseeker.com को। तो चले चलते हैं रेसिपी की तरफ, किन किन चीजों की जरूरत है और इसे कैसे बनाते हैं। जी व्यूअर्स, एक पैन में हमने हाफ कप बॉईल कर ले लिया और उसको अच्छे से गर्म कर लिया। एक अदद बड़े साइज के हमने प्याज को स्लाइस कर लिया। अब इसमें प्याज शामिल करेंगे, उसको गोल्डन होने तक हम फ्राई कर लेंगे। जी व्यूअर्स, प्याज को हमने बहुत अच्छे से गोल्डन होने तक फ्राई कर लिया। ये 2 कप हमने चने ले लिए थे, इसको रात भर के लिए हमने भिगो दिया था। अब इसे बहुत अच्छे से हमने बॉईल कर लिया। अब इसमें चने ऐड कर देंगे। अब इसको 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। अच्छे से हमने इसको 3 से 4 मिनट के लिए भून लिया। अब इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। 1 अदद हमने टमाटर ले लिया था, इसका छिलका उतार लिया था। 2 से 3 हमने बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ले ली हैं, ये ऐड करेंगे। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टेबल स्पून। हाफ टेबल स्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे। वन फोर टेबल स्पून इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून। जीरा पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून। ये हमने साबुत गरम मसाला ले लिया 1 टेबल स्पून, जिसमें काली मिर्च है, साबुत जीरा है, दालचीनी है, ये ऐड करेंगे। अब इसको 1 से 2 मिनट के लिए हम भून लेंगे। जी बिल्कुल, मसालों को हमने अच्छे से 1 से 2 मिनट के लिए भून लिया। 1/2 कप हमने दही ले लिया, इसमें दही ऐड करेंगे और दही का पानी खुश्क होने तक इसे पका लेंगे। जी व्यूअर, दही का पानी खुश्क हो चुका है। अब इसमें पानी ऐड करेंगे। 2 गिलास हमने चावल लिए थे, इसमें 3 गिलास पानी ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे और पानी में उबाल आने देंगे। जी व्यूअर, पानी में बहुत अच्छे से उबाल आ गया। चावलों को 1/2 घंटे पहले ही हमने भिगो दिया था, अब इसमें भीगे हुए चावल शामिल कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चावलों का पानी ड्राई होने देंगे। जी व्यूअर, चावलों का पानी ऑलमोस्ट ड्राई होने वाला है। अब इसके नीचे एक तवा रख देंगे। चूल्हे की आग स्लो कर देंगे। इसे कवर कर देंगे और 12 से 15 मिनट के लिए इसे हम दम देंगे। जी व्यूअर, दम का टाइम पूरा हो गया, अब ढक्कन उठा लेंगे, चूल्हा बंद कर देंगे।
और हमारा बेहद मज़ेदार सा चना पुलाव बिल्कुल रेडी हो गया। बहुत ही खिले खिले से चावल हमारे तैयार हो गए। अब इसको हम डिश आउट कर लेंगे। जी व्यूअर्स, हमारा बेहद मज़ेदार सा चना पुलाव बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। इसे बनाना बेहद आसान है, बहुत ही मज़े का बनता है। आप भी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें और अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएँ कि रेसिपी आपको कैसी लगी। आप लोग हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, ictfoodseeker.com को। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।